हॉस्टल लेने के लिए आपको सबसे पहली बात है कि 12th अगर आप BA फीस वगैरह क्या है हॉस्टल की फीस अगर आपको मैं मंथली बताऊं तो ये जामिया का रूम आप देख रहे हैं ना, तो जितना भी यहाँ सब हे गाइस वेलकम बैक टू माय DK व्लॉग्स, मैं हूँ ध्रुव किशन और आज मैं आया हूँ फिर से एक बार जामिया। और बहुत कमेंट आ रहे थे कि जामिया का हॉस्टल दिखाओ, हॉस्टल का क्या फंडा है, ये सब चीज़ें बताओ, तो इसलिए मैं आ गया हूँ जामिया और यहीं के एक स्टूडेंट हैं जो जामिया के हॉस्टल में रहते हैं, तो इनसे पूछेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं जामिया में, जामिया के हॉस्टल में कैसे एडमिशन लें और यहाँ पर रहने लायक है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भैया जी एक बार आप बता दीजिए आपका नाम क्या है। मेरा नाम मुबारक है। मुबारक, हाँ। तो आपको हॉस्टल कैसे मिला? हॉस्टल मैंने जैसा कि यहाँ पे हॉस्टल के लिए क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि परसेंटेज के हिसाब से मिलता है कि लास्ट एग्ज़ाम में आपका परसेंटेज कितना आया था, उस हिसाब से जिस बच्चे का ज़्यादा मतलब मार्क्स बन जाता है उन्हें हॉस्टल अलॉट हो जाती है। अच्छा, तो मतलब कि कैसे कैसे, एक मिनट आप हमें बताएंगे कि हॉस्टल के लिए मतलब कि कैसे हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है? हॉस्टल लेने के लिए आपको सबसे पहली बात है कि 12th अगर आप BA में एडमिशन ले रहे हो, BSc में ले रहे हो, UG कोर्स में ले रहे हो, तो आपको 12th में आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। तो उससे नंबर उनके नंबर मिलते हैं, इवन कि आपके पास अगर कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, नेशनल सर्टिफिकेट, उसके भी नंबर मिलते हैं। अगर आपने NCC कर रखा उसके भी नंबर मिलते हैं। एंड इफ़ यू आर बिलोंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड और यू हैव EWS सर्टिफिकेट, देन दे विल आल्सो। ये जो हॉस्टल आप सामने देख रहे हैं ये न्यू बॉयज़ हॉस्टल है, ये अभी इसी साल इसका इनॉग्रेशन हुआ था। इधर जो आप देख रहे हैं ये SRK हॉस्टल है, ये भी बहुत अच्छा हॉस्टल माना जाता है, बहुत साफ़ सुथरा हॉस्टल है। इधर आप देख रहे हो ये है OSH हॉस्टल, ओबैदुल्ला सिंधी हॉस्टल, और आपके पीछे जो वो हॉस्टल है वो है केलाथ हॉस्टल, और सामने जिसका मरम्मत हो रहा है अभी वो सबसे पुराना और सबसे बड़ा हॉस्टल था अलामा इकबाल हॉस्टल। अभी इन्हें और मतलब एकोमोडेशन ज़्यादा बढ़ जाए इसलिए इनकी और मतलब ऊपर बिल्डिंग इसे खड़ा किया जा रहा है। फीस वगैरह क्या है हॉस्टल की? फीस अगर आपको मैं मंथली बताऊं तो हमारे हॉस्टल की फीस हो जाती है 4400 रुपीस पर मंथ। 4400? हाँ, 400 रुपए। 4400? हाँ, 4400, सॉरी 4400 रुपए। और फीस हमें जमा करना पड़ता है, हर 6 महीने में हमारा फीस जमा होता है, तो हम जा करके मतलब फीस जमा कर देते हैं। मतलब हॉस्टल में हर महीने का हिसाब? अगर आप महीने के हिसाब से लोगे तो महीने के हिसाब से आपका मतलब पर मंथ आपको पड़ जाएगा 4400 रुपये। अच्छा, हाँ। और वैसे करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं। हाँ, आप ये मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसे करना। हाँ, और मैं मतलब खाना पीना कैसा है? खाना यहाँ का बहुत लाजवाब है, जामिया का खाना बहुत ही अच्छा, नॉन वेज वेज सब अच्छा बनाते हैं, मतलब अच्छा खाना। मतलब कि नॉन वेज भी है खाने का, मतलब कि 4-5 दिन नॉन वेज मिल जाता है, सप्ते में 4-5 दिन नॉन वेज मिल जाता है, बिरयानी मिल जाती है। तो हाँ, तो ये बात नहीं कि आप परिवार से दूर है तो पतले व दुबले हो जाएंगे, यहाँ पे भरपूर प्रोटीन मिलेगा, आराम से जिम विम भी कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन था कि अगर हॉस्टल्स में अगर हम लोग आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कोई रैगिंग वगैरह कुछ? नहीं, यहाँ डायरेक्ट हॉस्टल के बाहर ही आपको लिखा हुआ मिलेगा रैगिंग इज इक्वल टू एक्सपल्शन, तो कोई भी यहाँ रैगिंग होती नहीं है। अच्छा। और कोई भी परेशानी यहाँ हॉस्टल में, कोई सीनियर हमें कोई परेशान भी नहीं करता है, और रैगिंग जैसी यहाँ कोई चीज़ नहीं है जामिया में और न जामिया के हॉस्टल में। अच्छा, और जामिया, एक और मेरा क्वेश्चन था कि जामिया यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के क्या संबंध है, मतलब कि हॉस्टल के बच्चों की यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी मतभेद रहती है या मिलके काम करते हैं? नहीं, अगर जामिया के हॉस्टल में आप हो तो एक यूनिवर्सिटी से थोड़ा मतलब आप अटैच हो, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन से आप हमेशा जुड़े हुए हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवोस्ट हमसे आकर के मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो यहाँ के वार्डन है वो भी एक जामिया एडमिनिस्ट्रेशन के ही हैं, तो हमसे आके उनके ताल्लुकात हमारे से अच्छे होते हैं। तो मैंने सुना है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में लगभग 10 हॉस्टल्स हैं। 8 हॉस्टल तो सिर्फ बॉयज़ के हैं, और अगर गर्ल्स के आप जोड़ लोगे तो गर्ल्स के हॉस्टल जाकर के यहाँ पे 7 हॉस्टल शायद गर्ल्स के हैं, तो 15-16 हॉस्टल है मिला के, तो बॉयज़ अलग अलग हॉस्टल में रहते हैं और गर्ल्स अलग हॉस्टल में। आप कह रहे थे कि बी में ए में कुछ का? हाँ, जैसे कि हमारा, मैं अभी कैंपस बी में रहता हूँ, तो कैंपस बी में अभी यहाँ 5 हॉस्टल है। हाँ, कैंपस 2 पार्ट में बटा। हाँ, एक कैंपस ए है और एक कैंपस बी है, मैं बी में हूँ अभी, आप भी बी में ही खड़े हो। अच्छा। तो यहाँ 5 हॉस्टल, जैसे SRK हॉस्टल है, न्यू बॉयज़ हॉस्टल है, केलाथ हॉस्टल है, और OSH हॉस्टल है, और अलामा इकबाल हॉस्टल है। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ हॉस्टल की मेस हॉल, जो कि देखने में बहुत अच्छा है, भी आप लोगों को मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा डाइनिंग हॉल है, यहाँ हम बैठ के खाते हैं, हम सब सारे एक साथ ही बैठ के खाते हैं, चेयर लगा हुआ है। और हॉस्टल के अंदर ही रीडिंग रूम बना रखा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, लेकिन शोर नहीं कर सकता।
और इस पूरी बिल्डिंग में ये रूम एक अकेला सुंदर सा दिख रहा है जो है NRI रूम। ये अगर कोई बाहर से जब कोई आता है तो उसको यहाँ पे एक सिंगल रूम दिया जाता है जो कि अंदर से बहुत सुंदर है। तो ये जामिया का रूम आप देख रहे हैं ना, तो जितना भी यहाँ सब फैसिलिटीज़ जो भी है जामिया प्रोवाइड कराती है। एक रूम में तीन बंदे रहते हैं, उन्हें गोदरेज, हर बंदे को गोदरेज मतलब वार्डरोब अपना अपना पर्सनल मिलता है, उसको मिरर एक बड़ा सा मिलता है रहने के लिए, पढ़ने के लिए स्टडी टेबल और चेयर मिलता है, और लाइट की फैसिलिटीज़ अच्छी है, और नाइट बल्ब भी आम मिल जाता है कि आप नाइट में जैसे सोने के लिए नाइट बल्ब भी मिल जाती है। तो ऐसा कोई फैसिलिटीज़ जामिया ठीक ठाक ही प्रोवाइड करता है। 4400 रुपये में इतना सारा फ़ायदा, भाई सही में बहुत अनएक्सेप्टेड है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि मेरे हिसाब से तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं, मेरे हिसाब से इतना सस्ते में पंखा, अलमीरा और मिरर वगैरह, भाई मैंने सच्ची मैंने सोचा था कि इतना सस्ता। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमारा नहीं लगता। हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया, जैसे कि मैंने दूसरे कॉलेजों में जाता हूँ अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पे जो बिजली का बिल होता है वो कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं उनको खुद भरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल भी नहीं भरना पड़ेगा। और मैंने देखा कि सामने बैल्कनी भी है, मैं आपको बैल्कनी भी दिखाता हूँ। देखिए बैल्कनी का देखो एरिया भी अच्छा खासा दे रखा है, बहुत अच्छा खासा। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो आराम से यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन और आराम से 3-4 चेयर आ जाएंगी। नाइट व्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो सामने बैल्कनी के निकलते साथ ही 2-3 गार्डन है, सामने देखो गार्डन है, नीचे आराम से चेयर है, शाम को जाके चिल करो, फिल करो। सामने ये भी हॉस्टल है, थोड़ी देर पहले भैया ने बताया ये सारे हॉस्टल्स हैं और सारे मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ हॉस्टल की जो कैंटीन है, 4-5 हॉस्टल की एक पर्सनल कैंटीन है ये, और यहाँ का जो सेटअप है वो मुझे सही में बहुत अच्छा लगा। छोटा सा है, मिनी सा, यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे ये बना के छोटे नॉर्मल से यहाँ पे बैठिए और खाइए। और आपने कभी इसका आनंद लिया है नहीं? हाँ, कैंटीन का तो यहाँ कैंटीन बहुत फेमस कैंटीन है, जो भी आपको खाना है फास्ट फूड खाना है तो भैया बना के खिलाते हैं, अच्छा बहुत अच्छा खिलाते हैं भैया बना के। हाँ। चाय पीना हो शाम में यहाँ पे बैठते हैं लोग अपने दोस्तों के साथ, यहाँ पे बैठते हैं रात तक, 1 बजे रात तक कैंटीन खुली हुई रहती है, तो अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, मज़े करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। मतलब हॉस्टलर्स की शाम कैंटीन से ही ख़त्म होती है ना, शाम यहीं पर समाप्त होती है इनकी। तो यहीं पर वीडियो मैं एंड कर देता हूँ, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। होप करता हूँ कि आपको हॉस्टल के बारे में ऑलमोस्ट पता चल गया होगा, तो लाइक करके जाना, ठीक है, बाय।